26 साल का एक लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया सिर्फ सेक्सटोर्शन रैकेट की वजह से। अचानक से क्या होता है, उसे फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आती है नेहा नाम की लड़की की, ठीक है आप नाम पे मत जाइएगा, बट धीरे धीरे रिक्वेस्ट आती है, बातें होने लगती हैं। उसे नहीं पता था कि जो लड़की की रिक्वेस्ट आ रही है उसके पीछे एक रैकेट काम कर रहा है। धीरे धीरे बातें होने लगती हैं, बातें और बढ़ने लगती हैं, धीरे धीरे और क्लोज आने लगते हैं। वो लड़की बेंगलोर की नहीं थी, समझ रहे हो, वो कभी मिले नहीं एक दूसरे से, कभी नहीं मिले, वो बेंगलोर की थी ही नहीं, कभी मिले नहीं, सिर्फ मोबाइल पे ही बातें हो रही हैं। धीरे धीरे पर्सनल नंबर शेयर हो गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने वीडियो कॉल शुरू किए, वहां से इंटीमेट चीजें शुरू हो गई। और एक वक्त ऐसा आया जब उस लड़की ने इंटीमेट वीडियोस शेयर किए, उस लड़के को बोला कि तुम भी इंटीमेट वीडियो शेयर करो, तो गलती वहीं हो गई, उस लड़के ने बिलीव कर लिया और उस लड़के ने इंटीमेट वीडियोस, लाइव वीडियोस या जो भी था, ऐसे वीडियो कॉल्स किए जिसकी वजह से वो फंस गया, वो वीडियो रिकॉर्ड हो गए। कुछ दिनों बाद वो लड़की गायब, और लड़की के पीछे जो रैकेट काम कर रहा था उसने अब उस लड़के को परेशान करना शुरू किया। उसने वो वीडियो फॉरवर्ड किया और कहा कि आपने अगर इतने पैसे हमें नहीं दिए तो हमें वीडियोस आपकी फैमिली को भेज देंगे या सोशल मीडिया पे डाल देंगे। जब ऐसा कुछ हुआ तो उसे ऐसा लगा कि यार अगर ये चीज पब्लिकली चली गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा, घर पे मुझे लोग कैसे देखेंगे। उसने शुरू में पैसे दिए, उस पैसे, अब देखो जब भी आप पैसा देते हो ना तो उनकी भूख और बढ़ जाती है, तो जब उसने पैसे दिए शुरू में तो उन्होंने बोला कि उनका पेट भरा नहीं, उन्होंने कहा हमें और चाहिए, ऐसे करके वो पैसे मांगते गए, वक्त ऐसा आया कि उससे संभला ही नहीं, अब उसके पास पैसे इतने कहां से होते। फाइनली उस लड़के ने ये सोचा कि शायद मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, तभी ये जो झंझट है वो खत्म होगा, और वो लड़का दुनिया को छोड़ के चला गया।